हे गाइस, माय नेम इज़ ज़हरा और ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है मीन वैल्यू थ्योरम पे। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है, साथ ही साथ उसका प्रूफ क्या होगा और किस तरह किया जाएगा। अगर पेपर में आपको स्टेटमेंट प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम आए तो आपने आज का ये जो मेरा कम्प्लीट लेक्चर होगा आपने उसको प्रिपेयर करके उसमें वो लिखना होगा। स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से मीन वैल्यू थ्योरम की। मैंने आपको रोल्स थ्योरम करवाया था। रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक स्लांटेड वर्जन है रोल्स थ्योरम का। इसकी हम आज सबसे पहले करेंगे स्टेटमेंट कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट समझाने के लिए मैंने एक यहाँ पर ग्राफ बनाया है, तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखूँगी और फिर मैं आपको समझाऊँगी कि इसकी स्टेटमेंट क्या, फिर हम उसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट मीन वैल्यू थ्योरम की, suppose y is equal to f of x is continuous। एक हमारे पास ग्राफ है जो कि कॉन्टिन्यूस है। y is equal to f of x, it means let's suppose ये हमारे पास एक f of x कोई फंक्शन का कर्व है और ये कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल पे। उस क्लोज इंटरवल को हम कोई नाम दे देते हैं a एंड b। एक हमारे पास कर्व था, वो कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो लेट्स सपोज इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देती हूँ और इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देती हूँ। ये मेरे पास एक इंटरवल आ गया है ए और बी। ए और बी के अंदर अगर आप गौर करें तो ये कर्व कॉन्टिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, कहीं पर मैंने होल नहीं बनाया। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ इसके ए और बी पॉइंट्स के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस है। एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे ऑन इंटरवल इंटीरियर, जिसे हम ए एंड बी ओपन के साथ रिप्रेजेंट किया। जब क्लोज ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है ए और बी शामिल है, जब ओपन ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है ए और बी शामिल नहीं है लेकिन इनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे वो शामिल है। ए और बी क्लोज इंटरवल में ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, ए और बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो भी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी एट विच एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डेरिवेटिव सी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है मीन वैल्यू थ्योरम की। क्वेश्चन पेपर में आपको स्टेट एंड प्रूफ आएगा तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी पड़ेगी। स्टेटमेंट में क्या था, सबसे पहले कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे। अगर ऐसा है तो वहाँ पे एक पॉइंट सी ऐसा लाजमी एग्जिस्ट करेगा ए बी के अंदर, जहाँ पे अगर हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें यानी उसकी स्लोप ले लें तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज के इक्वल आती है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल आएगी। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, अभी आपने सिर्फ इसको समझना है। ए एक पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये दोनों क्लोज इंटरवल हैं और ये फंक्शन का कर्व जो है ये एफ ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर स्लोप ले लूँ तो स्लोप किसे कहते हैं, टेंजेंट किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट जिसको जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे। तो अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो कुछ इस तरह थोड़ा सा जो इस पॉइंट किसी एक पॉइंट पे कर्व को टच करे, तो ये आ गई टेंजेंट की हमारे पास लाइन। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये आ गई स्लोप एफ डेरिवेटिव सी जो कि ये है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम गौर करें, एक अगर मैं एक कॉर्ड लूँ जिसे हम सीकेंट लाइन कहते हैं, सीकेंट लाइन ऐसी होती है जो कर्व के किसी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लूँ और एक पॉइंट ये ले लूँ और एक सेकेंड लाइन लूँ, तो ये अगर सेकेंड लाइन है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको
प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे प्रूफ के लिए दो लाइंस चाहिए, एक तो स्लोप चाहिए और एक सिकेंड लाइन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिकेंड लाइन ड्रॉ की, क्योंकि ये कर्व के दो पॉइंट्स को कट कर रही है, तो ये एक सिकेंड लाइन बन जाती है, जिसे हम कॉर्ड ए बी भी कहते हैं। अगर इसका पॉइंट ये है और इसका पॉइंट ये है, तो मैं कह सकती हूँ इन दोनों का पॉइंट जिस पे दोनों ही आपस में इक्वल आ रही है, लेट्स सपोज वो पॉइंट है सी, इस पॉइंट पे दोनों ने इक्वल हुई है लाइंस। इस फंक्शन को मैं कहती हूँ जी ऑफ एक्स, इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन को कहूंगी जी ऑफ एक्स, और इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन को इस कर्व की कह दूंगी एफ ऑफ एक्स। अब हम आगे स्टेटमेंट जब इसकी प्रूफ करेंगे, तो मैं आपको इसी की हेल्प से बताऊंगी कि हम किस तरह क्या चीजें लिख रहे हैं। प्रूफ ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम लेंगे लेट जी एक्स बी सीकेंड लाइन टू एफ ऑफ एक्स पासिंग थ्रू ए एफ ऑफ ए एंड बी एफ ऑफ बी। ये मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे लिख लिया। अगर जी एक्स हमारे पास सेकेंड लाइन है, जैसे कि मैंने अभी ये सेकेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया और मैंने बताया इसको जी एक्स का नाम दे दिया, अगर ये एक सेकेंड लाइन है तो ये एफ ऑफ एक्स के थ्रू पास हो रही है किस पॉइंट से? अगर ये ए पॉइंट है तो यहाँ पे एफ ऑफ ए भी होगा कोऑर्डिनेट में, ए और एफ ऑफ ए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए एफ ऑफ ए, और यहाँ पे जो पॉइंट है वो है बी एफ ऑफ बी। कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ए एफ ऑफ ए है और यहाँ पे बी एफ ऑफ बी है, तो ये इन दोनों पॉइंट में से पास कर रही है जी एक्स, जो कि सेकेंड लाइन है जो एफ ऑफ एक्स के थ्रू पास हो रही है, और जो लाइन जिन पॉइंट्स को वो कट कर रही है वो है कोऑर्डिनेट पॉइंट ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी। अब हमने सेकेंड लाइन है तो हम सेकेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट स्लोप इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करते हुए सेकेंड लाइन की यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे। मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ पॉइंट स्लोप इक्वेशन का, यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज करने लगे हैं। पॉइंट स्लोप इक्वेशन क्या होती है? वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे वाई वो फंक्शन होता है जिसकी वो लाइन है, वाई वन फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसमें जो सेकंड वाला होता है वो वाई वन को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह यहाँ पे एक्स वन जो होगा वो भी रिप्रेजेंट करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट स्लोप इक्वेशन है वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे वाई जो होगा वो फंक्शन है जिसकी वो लाइन है, जैसे कि जी एक्स। वाई वन और एक्स वन फर्स्ट कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हैं। अगर ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है, इसमें ए और एफ ऑफ ए पॉइंट है, तो ए रिप्रेजेंट करेगा एक्स वन को और एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट करेगा वाई वन को। यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट के पॉइंट है, तो यहाँ पे बी रिप्रेजेंट करेगा एक्स टू को और एफ ऑफ बी रिप्रेजेंट करेगा वाई टू को। अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे फॉर्मूला में सिर्फ वाई वन यूज होगा और एक्स वन यूज होगा, तो मैं इधर लिख सकती हूँ कि वाई वन हमारे पास क्या है एफ ऑफ ए, और एक्स वन हमारे पास क्या है ए, जो कि हमारी ग्राफ की जो हमने पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं उनके अकॉर्डिंग, और एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करती होती है स्लोप को। पॉइंट स्लोप इक्वेशन इस फॉर्मूला के थ्रू आती है, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करके जी एक्स की पॉइंट स्लोप इक्वेशन निकालेंगे। किस तरह? वाई की जगह क्या आ जाएगा? जी ओफ एक्स, मैंने अभी आपको बताया। माइनस वाई वन की जगह क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए। एम की जगह स्लोप आएगी, वो भी मैं इसका फॉर्मूला पुट करूंगी। एक्स एज इट इज रहेगा माइनस एक्स वन की जगह ए आ जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। स्लोप की किस तरह हम आंसर निकालते होते हैं? हमें पता है जब स्लोप का हमने आंसर निकालना हो, हमारे पास दो पॉइंट्स हो, तो हम किस तरह करते होते हैं? यहाँ पे स्लोप इक्वल आती होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के, तो हम यही फॉर्मूला स्लोप का यहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारे पास सीकेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए।
जो ये हमारे पास इक्वेशन आई है हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे और एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर देंगे। जियो जी एक्स माइनस एफ ऑफ ए, अगर मैं एफ ऑफ ए को इस साइड पे ले जाऊं तो ये माइनस का था, यहाँ पे जाके पॉजिटिव में आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकती हूँ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, आगे हम इनको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, अब हम अपने फिर से ग्राफ की तरफ जाते हैं और उसमें देखते हैं वर्टिकल जो डिफरेंस है एफ और जी के दरमियान वो क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, कुछ हमारा ग्राफ इस तरह बना हुआ है जिसमें एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर मैं इस लाइन का जो सी है यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करूँ और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को अगर मैं जी एक्स से रिप्रेजेंट करूँ तो जो ये हाइट में वर्टिकल डिफरेंस आ रहा है इस हाइट में इसको मैं एच ऑफ एक्स कह सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि जो एच ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर हम एफ ऑफ एक्स में से जी एक्स निकाल दें तो हमारे पास एच एक्स आ जाएगा जो कि वर्टिकल डिफरेंस है दोनों हाइट्स का। इसको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाऊंगी, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन जी एंड एफ जो ग्राफ है तो वो आ जाएगा एच एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूंगी। ये डायग्राम ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने प्रूफ में बनानी है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है एज ए हिंट। आपने इसको अपने प्रूफ में बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक ग्राफ बनाएंगे और प्रूफ लिखना शुरू कर देंगे। जो वर्टिकल डिफरेंस है बिटवीन जी एंड एफ वो इक्वेशन 2 आ गया और इक्वेशन 1। अगर हम पुट कर दें इक्वेशन 1 को इंटू इक्वेशन 2, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमने जी एक्स का नाम यूज़ किया है और इक्वेशन 1 हमारी जी एक्स के इक्वल है, तो जी एक्स की जगह हम ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस, अब जी एफ एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट वैल्यूज पुट किए। अब माइनस को हम अंदर टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा एच एक्स, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे यूजिंग रोल्स थ्योरम स्टेटमेंट। रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें रोल्स थ्योरम ने क्या बताया था कि अगर, जैसे मैंने आपको रोल्स थ्योरम पहले करवाया हुआ है, अगर आपको आपने नहीं वो लेक्चर देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन है लिंक, आप देख लें उस लेक्चर को। रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है, रोल्स थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक स्लोप है और लेट्स सपोज एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए में पॉइंट बी और ए इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो स्लोप होती है एफ डेरिवेटिव सी वो 0 के इक्वल होती है। अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो डायग्राम बनी हुई है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इधर एच फंक्शन बन रहा है हमारे पास वो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को पूरा पूरा उतर रहा है। किस तरह, जो फंक्शन एच है वो सेटिस्फाई कर रहा है रोल्स थ्योरम की हाइपोथेसिस को, ये कॉन्टिन्यूस भी है ए और बी के दरमियान, डिफरेंशिएबल भी है ए और बी के दरमियान, और अगर हम इसके अंदर एफ एच ए और एच बी कर दें तो वो 0 आ जाएगा, साथ ही साथ इसमें कोई पॉइंट सी ऐसा होगा जिसको हम एक्स के इक्वल करेंगे जहाँ से एच ऑफ सी का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यूजिंग रोल्स थ्योरम एस, आप यहाँ पे हिंट देंगे एस एच सेटिस्फाई
रोल्स थ्योरम, हाइपोथेसिस किस तरह, इट इज कॉन्टिन्यूस, एट ए एंड बी एंड डिफरेंशिएबल, ओपन इंटरवल ए बी में, ऑल्सो एच ए एच बी इज इक्वल टू जीरो, लेट एक्स इज इक्वल टू सी सच डैट जीरो। ये मैंने आपको रोल्स थ्योरम करवाया ही इसलिए था पहले कि जब आपको मैं मीन वैल्यू थ्योरम करवाऊंगी तो इसमें रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को हमने यूज़ करना है। तो अगर आपको रोल्स थ्योरम नहीं आएगा तो आपको मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आएगा। अगर आपको रोल्स थ्योरम, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरा आज का आर्टिकल मीन वैल्यू थ्योरम का है। तो अगर आपको इसकी समझ ना आए तो आप रोल्स थ्योरम एक बार देखें ताकि आपको पता चले कि मैंने एज को रोल्स वैल्यू थ्योरम पे सेटिस्फाई कैसे करवाया और किस तरह मैंने ये वाली चीज़ लिख दी है। आगे करते हैं हम अपना काम। इक्वेशन नंबर 3 हमने अभी तक बनाई थी, तो अब हम क्या करेंगे, आपको थर्ड स्टेप क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को यूज़ करना है और हमने अपना प्रूफ करना है मीन वैल्यू थ्योरम का। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट जब करूँगी तो इधर कैसे लिख सकते हैं हम इसको, एच डेरिवेटिव एक्स, क्योंकि एच एक्स कोई फंक्शन है एक्स का, जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे तो प्राइम से रिप्रेजेंट कर देंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो एफ ऑफ ए जो है ये जस्ट एक कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, कोई वेरिएबल नहीं है। हम एक्स के अकॉर्डिंग इसको कांस्टेंट समझेंगे और जब एक्स के अकॉर्डिंग इसको कांस्टेंट समझेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी कांस्टेंट का जीरो होगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह जीरो लिख देंगे। ये भी यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल और है एक्स माइनस ए। तो जब हम एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी जगह जस्ट हम वन लिख सकते हैं। किस तरह, एक्स का डेरिवेटिव वन और ए का जीरो, तो वो वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू सी। जब हम सी पुट करेंगे अपनी फंक्शन में, जहाँ जहाँ एक्स है तो हमारे पास आ जाएगा एच डेरिवेटिव सी एफ डेरिवेटिव सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अभी हमने यहाँ पे एक हिंट लिखा था कि अगर एच कोई फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, तो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई ना कोई पॉइंट सी उसके इंटरवल में होगा जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। तो यहाँ पे हम इसके हिंट को यूज करेंगे और इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे जीरो। इसको जब हम मजीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, जो कि हमारी रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट थी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ हमने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए सीकेंड लाइन की एक इक्वेशन बनाई, पॉइंट स्लोप इक्वेशन को यूज करते हुए। सीकेंड लाइन की इक्वेशन बनाने के बाद हमने वर्टिकल डिफरेंस लिया है जी और एफ ग्राफ के दरमियान और उसके अंदर जी एक्स की वैल्यू पुट की है। थर्ड स्टेप हमने क्या किया है, हमने जस्ट इसको रोल्स थ्योरम का हिंट यूज करते हुए डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यूज पुट किया और हमारा रोल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। ये था आज की हमारी वीडियो मीन वैल्यू थ्योरम पे। हमने इसको मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ किया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको मीन वैल्यू थ्योरम की समझ आई है, तो आप इस लेक्चर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।